हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय चैनल। आई होप आप लोग बहुत अच्छे से होंगे, गार्डनिंग बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज का टॉपिक है कि मुख्य द्वार पे हमें कौन सा पौधा लगाना चाहिए जिससे हमें वास्तुशास्त्र के अनुसार लाभ ही लाभ मिले और धन की प्राप्ति हो, सकारात्मक ऊर्जा हमें मिले। तो ये गेट है, ये देखिए, और गेट के पास ही ये मेरे ये प्लांट लगे हैं। तो वास्तुशास्त्र के अनुसार हमें जानना चाहिए कौन सा पौधा किस जगह लगाना है, कैसा रखना है, तो पौधे लगाने से शुभ होगा कि अशुभ होगा, सब बातें जानते हैं। तो मुख्य तौर पर देवी देवताओं का और सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है, तो इसलिए कुछ ऐसे पौधे दो हैं जो हमें अपने मुख्य द्वार के पास लगाना चाहिए। तो वो दो पवित्र पौधे क्या हैं जिससे हमारे जीवन में सकारात्मक बदलाव आता है, धन की अपार मिलता है। तो एक ये शनि का प्लांट है, आप देख रहे हैं शनि का प्लांट लगा हुआ है। तो शनि का प्लांट बहुत शुभ माना जाता है, इसमें भगवान शिव का वास होता है और इसको लगाने से जीवन में सकारात्मक बदलाव आते हैं, धन की प्राप्ति होती है। और समय के पौधे में हमें रोज़ जल चढ़ाना चाहिए और इस पर शिव का वास होता है। तो ये पौधा हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा शुभ है और शिव वाला, इसलिए शनिवार को शिव की पूजा की जाती है। और ये प्लांट आपको घर में ज़रूर लगाना है, दरवाजे के पास जो आपका मेन गेट है वहाँ पे ये वाला लगाएं। और शनिवार को यहाँ पे दीपक भी जलाएं, इससे आपको बहुत ही लाभ मिलेगा। और दूसरा प्लांट है ये मनी प्लांट, ये देखिए मनी प्लांट भी आप लगा सकते हैं। और ये दो पौधे, एक शनि का एक मनी प्लांट का, जो नाम से ही जाना जाता है कि मनी प्लांट यानी कि धन वाला पौधा, जो हमारे जीवन में धन की कमी नहीं होती है और सकारात्मक ऊर्जा लाता है, अपार धन मिलते हैं, परिवार में खुशहाली मिलती है और सारे निगेटिव दूर करता है। तो हमें मनी वाले प्लांट ज़रूर लगाना चाहिए अपने गार्डन में। और अगर घर का मेन गेट है तो उसके पास आप ये प्लांट ज़रूर लगाएं, आपको धन ही धन मिलेगा मनी प्लांट लगाने से। और मनी प्लांट की ग्रोथ जितनी अच्छी होगी उतनी ही परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी होगी। और मनी प्लांट हमेशा ऊपर को बढ़ता ही चला जाए, नीचे को लटके नहीं। तो मनी प्लांट ऊपर का बढ़ना बहुत शुभ होता है, जिससे धन संबंधी समस्याएं दूर होती हैं और परिवार की आपस में कलह वगैरह जो होता है वो दूर होता है। और सकारात्मक ऊर्जा भी आती है, देवी देवता का भी वास होता है। और मनी प्लांट आपको अपने घर में मुख्य द्वार पे ज़रूर लगाना चाहिए। और मनी प्लांट का लेन देन या गिफ्ट के तौर पे नहीं देना चाहिए, नहीं तो अपार धन की कमी हो जाती है, आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होती है। तो इसको मुख्य तौर पे आप ज़रूर लगाएं। और मनी प्लांट का पानी आप बदलते रहें, अगर पानी में लगाया हुआ है तो उसको फ्रेश ही पानी दीजिए। और इसको लगाना बहुत ही आसान है, इसको आप कटिंग से भी ग्रो कर सकते हैं, पानी में, मिट्टी में, और खरीद के भी आप लगा सकते हैं। मनी प्लांट चुरा के भी नहीं लगाना है, इसको आप नर्सरी से पैसा देकर ही ये प्लांट खरीदें, तभी ये शुभ लाभ हमें मिलता है। और मनी प्लांट मुख्य तौर पर ज़रूर लगाना चाहिए, ऐसे गमले भी में भी लगा सकते हैं, छोटे पॉट में भी या डिब्बे में भी लगा सकते हैं, ऐसे ऊपर बढ़ता ही चला जाए और तभी अच्छा माना जाता है।
और हमारे जीवन में जितनी भी परेशानियां वगैरह होती हैं, ये आप दो प्लांट लगा लीजिए और खुशहाली मिलेगी। जैसे प्लांट की ग्रोथ होगी, हमारी स्थिति वैसे भी होगी, आगे बढ़ता जाएगा तो हमें अपार धन की संभावना ज़्यादा होगी और सकारात्मक ऊर्जा भी मिलेगी। जीवन की हर परेशानियां संबंधी दूर होंगी। तो दूसरा शनि का प्लांट यानी शमी का प्लांट, ये भी शनि भगवान का ही रूप है, तो इसको भी आप मुख्य तौर पे लगाइए। इसमें भगवान विष्णु का वास होता है, नहीं भगवान शिव का वास होता है, और इसको जल जरूर अर्पित कीजिए और सुबह शाम इसको पानी दीजिए। और ये भी ग्रोथ जितनी अच्छी होगी, आपका धन संपदा भी उतनी अच्छी होती चली जाएगी। तो गेट के मुख्य तौर पर आप ये दो प्लांट आप अपने घर में ज़रूर लगाएं, घर में खुशहाली आएगी और आपस में प्रेम भाव बढ़ेगा। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आए, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। अपना तथा अपनों का ध्यान रखिए, ऐसे पौधे लगाइए जो वातावरण के साथ साथ हमारे कुछ काम आ सके, तो ऐसे ही प्लांट को हमें लगाना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।